बारिश रहेगी, मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का संभावना है, लाइट टू मॉडरेट मोस्टली रहेगी, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी हेवी, तो फ्यू प्लेसेस इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का भी संभावना है। डे वन के लिए एक्सट्रीमली हेवी हमने दिया है, वलसाड, नवसारी, दमन, दादरा नगर हवेली में हेवी टू वेरी हेवी रहेगा फ्यू प्लेसेस में, और एक्सट्रीमली हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है। और सौराष्ट्र कच्छ में देखा जाए तो गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका में हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है एट आइसोलेटेड प्लेसेस में। और हेवी रेन रहेगा आपका भावनगर, अमरेली, राजकोट, इवन जामनगर में भी हेवी आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है। कच्छ में भी हेवी रेन हो सकता है, और बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, महीसागर, इसमें भी अच्छा बारिश मिलेगा, हो सकता है कि हेवी रेन तक पहुंच जाए। और अहमदाबाद में देखा जाए तो आज के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन मिल सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आज कंडीशन थोड़ा सा फेवरेबल है, शाम को अहमदाबाद में भी बारिश हो सकती है। एंड डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव में भी बारिश है, मोस्टली जो हेवी रेनफॉल का जो बेल्ट है, हेवी टू वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी, सारे कोस्टल सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात रीजन में है। एंड डे फाइव अभी टाइम है, डे फाइव में कच्छ में भी अच्छी खासी बारिश होने का संभावना है, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी रूल आउट नहीं है। अगले 5 दिन में दोनों कोस्ट के लिए, गुजरात, नॉर्थ गुजरात को, साउथ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन के लिए वार्निंग है, फिशरमैन को जाना मना है। कितना परसेंटेज बारिश हो गया? अभी पूरा जो डेफिशिएंट था आज 10% डेफिशिएंट है गुजरात स्टेट एज ए होल। अभी फिलहाल जो गुजरात स्टेट एज ए होल में बारिश हुआ है 148 मिलीमीटर, जैसे कि होना चाहिए था 164 मिलीमीटर, इसमें डेफिशिएंट अभी भी है 10% डेफिशिएंट, लेकिन उसको नॉर्मल माना जाता है। और सौराष्ट्र कच्छ में नॉर्मल हो गया है, अभी एक्सेस 3% है, 137.8 हुआ है, होना चाहिए था 134.3%, उससे ज्यादा हुआ है, 3% एक्सेस है। और गुजरात रीजन में अभी 20% डेफिशिएंट है, अभी भी डेफिशिएंट है।